हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोग कैसे Xiaomi Redmi Poco डिवाइस में जो है यहाँ पर पिक्सल रोम को फ्लैश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इससे जो आप लोग MIUI से बच सकते हैं, मतलब एक क्लीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं एंड्रॉइड के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम होता है ये गूगल पिक्सल फोन से लिया जाता है, और यहाँ पर एक आप लोग को क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड की फील आप लोग को मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग कोई भी ब्लोटवेयर देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि MIUI होता है, रियलमी UI होता है, या फिर कलर OS। यहाँ पर आप लोग को बहुत ही सारा ब्लोटवेयर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोग को एक क्लीन एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया जाता है। सो जो डेवलपर होता है इन रोम को आप लोग के डिवाइस के लिए पोर्ट करता है, और Xiaomi Redmi के डिवाइस बहुत सारे डिवाइस में इन रोम का सपोर्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लोग के पास Xiaomi Redmi के डिवाइस है तो इन रोम को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इन रोम को डाउनलोड करने के लिए आप लोग मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर PC से डाउनलोड करके उसको आप लोग कॉपी करके मोबाइल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को गूगल में जाकर सर्च करना है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम करके, और यहाँ पर आप लोग को जो पहली वाली वेबसाइट दिखाई देगा वही यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है, मतलब यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप लोग को जो पॉपुलर डिवाइस के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल डिवाइस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बहुत सारे डिवाइस की लिस्ट। तो यहाँ पर रियलमी की भी कुछ कुछ डिवाइसेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, सैमसंग यहाँ पर हो गया, पर रेडमी Xiaomi की डिवाइस तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस में यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब हर कोई डिवाइस में यहाँ पर रेडमी की डिवाइस में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम की सपोर्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर सर्च बार में टाइप कर सकते हैं, अगर आप लोग को वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं आप लोग के डिवाइस के लिए एयर रोम की सपोर्ट है या फिर नहीं। बेसिकली मेरा जो डिवाइस है Redmi Note 7 Pro, यहाँ पर मैं उसको सर्च कर लूँगा, और यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा पिक्सल एक्सपीरियंस 11 और प्लस एडिशन। तो यहाँ पर आप लोग को डिसाइड करना है आप लोग कौन सा वर्जन लेना है। एंड्रॉइड 10 जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हो गया है, एंड्रॉइड 11 यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक होता है प्लस एडिशन, एक होता है नॉर्मल एडिशन। यहाँ पर जो प्लस एडिशन यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, पर जो 11 जो है यहाँ पर नॉर्मल वर्जन है यहाँ पर आप लोग कोई भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही क्लीन यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड की फील आप लोग को यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर आप लोग को डिसाइड करना है आप लोग को प्लस एडिशन चाहिए या फिर नॉर्मल एडिशन चाहिए। तो मैं जो है प्लस एडिशन की तरफ जाऊंगा, और यहाँ पर आप लोग को इंस्टॉल गाइड पर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर डाउनलोड बिल करेंगे तो यहाँ पर जो लेटेस्ट बिल है आप लोग का डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को किसी भी फोल्डर में इसको रख सकते हैं, और अगर PC में डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल में कॉपी कर लीजिए। तो इसके बाद आप लोग को सिंपली मोबाइल पे आना है, और मोबाइल पे यहाँ पर आप लोग को जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड किया था जिप फाइल उसको आप लोग को लोकेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इंटरनल स्टोरेज पर कॉपी कर लिया हूँ। और उसके बाद आप लोग को डिवाइस को जो है यहाँ पर स्विच ऑफ कर लेना है, और स्विच ऑफ करने के तरीके तो आप लोगों को पता ही होगा, तो यहाँ पर आप लोग को डिवाइस को जो है पावर ऑफ कर लेना है। तो इसके बाद आप लोग को डिवाइस को जो है ऑरेंज बॉक्स रिकवर में बूट करना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है ऑरेंज बॉक्स रिकवरी क्या होता है, ऊपर आई बटन में लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, और आप लोग के बूट लोडर भी अनलॉक होना जरूरी है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग को वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप लोग की डिवाइस की जो ऑरेंज बॉक्स रिकवरी है या फिर TW आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर बूट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग डिवाइस की जो पैटर्न या फिर पासवर्ड दे रखे हैं तो यहाँ पर आप लोग को उसको डालना है, तो आप लोग की डिवाइस जो है डिक्रिप्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही आप लोग इंटरनल जो फाइल होता है यहाँ पर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को देखना है अगर आप लोगों ने जिस भी फोल्डर में यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को डाउनलोड करके रखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नीचे यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस वायलेट 11 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो इंटरनल फाइल है यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं हम। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, जो वाइप पर जाना है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है वो आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि डेल्फिक, आर्टकैड, स्केच सिस्टम, फेंडर, इनको सिलेक्ट करके जो स्वाइप टू वाइप बटन है दो उनको आप लोग को प्रेस कर देना है, मतलब स्वाइप कर देना है इनको। तो अभी आप लोग क्या करना है, वाइप करने के बाद यहाँ पर जो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस वायलेट 11 था, मतलब जो जिप फाइल था, उनको आप लोग को फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने का जो तरीका वो सिंपल सा, यहाँ पर स्वाइप टू इंस्टॉल आप लोग को आ रहा है तो स्वाइप कर देंगे तो यहाँ पर जो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बैक आना है, यहाँ पर मैनेज पार्टीशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर रिबूट नहीं करना है। पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ, मैनेज पार्टीशन पर आना है, और मैनेज पार्टीशन पर यहाँ पर आप लोग को डाटा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग को डाटा का बैकअप जो है ज़रूर बना लेना है, और यहाँ पर आप लोग को फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि सारा डाटा यहाँ पर डिलीट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग को येस टाइप करके कन्फर्म कर देना है, और ओके प्रेस करते ही जो आप लोग की डिवाइस जो यहाँ पर बूट हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग रिबूट तो सिस्टम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डिवाइस में जो है आप लोग पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को फ्लैश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।